एवरी वन दिस इज चाने दरानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास टेंथ सिलेबस दैट इज टाइटल्ड एस मैडम द बस दिस चैप्टर बिलोंग्स टू द बुक फर्स्ट फ्लाइट और आज का वीडियो होगा कंप्लीट रिविजन ऑफ दिस चैप्टर तो ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है मैडम राइट द बस दिस इज अबाउट आठ साल की छोटी बच्ची जो कि अकेले ही बस से ट्रेवल करने वाली है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ ऑल्सो इसके बारे में इनकी मॉम को कुछ भी नहीं पता है कि मेरी बेटी अकेले गई थी बस में ट्रैवल करके आ गई पूरा घूम फिर के आ गई लाइक शी डिडन वांट टू इन्जॉय दी सिटी और स्टाफ शी जस्ट वांटेड टू इन्जॉय जर्नी ऑफ द बस कि बस जर्नी होती कैसी है एंड शी डिड दैट वो पैसे वगैरह कैसे इकट्ठे करना है इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठी करनी है वो सारी चीज़ें उसने खुद ही की आठ साल की उम्र में व्हाट इन्फ्लुएंसड हर वॉट थिंक शी डिड वॉज राइट और रॉन्ग ये सारी चीजें हम ही पे छोड़ी गई हैं टू अंडरस्टैंड एंड द चैप्टर इज क्वाइट लेंदी तो इसका रिविजन भी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट ट्रस्ट मी आफ्टर यू आर डन विद दिस वीरियो यू विल हैव नो डाउट लेफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक सो लेट्स जस्ट बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल की ये चैप्टर लिखा किसने है एंड द बेसिक पॉइंटर्स आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो समरी वीडियो और एनसीआर टी सोल्यूशन अगर देखने हो इस चैप्टर के यू ऑलरेडी हैव वीडियोस देर यू ऑलरेडी हैव द रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट इफ यू रियली वॉन्ट टू चेक दोज वीडियोज काइंडली जस्ट गो टू द यूट्यूब और मैग्नेट ब्रेन चैनल पर देख लो अदरवाइज यू कैन गो टू द वेबसाइट और ऑप्ट द ऑप्शन ऑफ द एप ऑफ

वली कनन दिस इज द नेम ऑफ दर ओल्ड गर्ल्स फर्स्ट बर्स जर्नी इन टू द बा इन टू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज हर इंडक्शन इन टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का कि ये जो बच्ची है ना वो आठ साल की है और ये अपनी पहली बस जर्नी कर रही है और इस दौरान उसको जो जिंदगी का एक रहस्य है जो लाइफ और डेथ का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने वाला है सो दिस इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन फॉर दिस गर्ल सो आठ साल की बच्ची है सबसे पहली बात ये इसकी पहली बस जर्नी है एंड शी हैज़ मूव्ड आउट ऑफ द विलेज फॉर अ फर्स्ट टाइम और इतना सब कुछ उसको पता नहीं था जो भी वो बचपन से देख रही है आठ सालों में उसने वही नॉर्मल विलेज लाइफ देखी है बट उसने कभी भी लाइफ और डेथ का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है एंड दैट इज समथिंग जो पहली बार ये बच्ची देखने वाली है उसका पहला इंडक्शन है उसको इंट्रोडक्शन मिलेगा अबाउट दी थिंग विच इज लाइफ एंड डेथ क्लियर ओके जो बच्ची है उसका नाम है वल्लियामय और इसको हम पूरे चैप्टर में वल्ली नाम से पढ़ने वाले हैं सो so, ओरिजिनल नाम क्या है वल्लियामय ठीक है बट आप इस नाम से ना पढ़ के आप वल्ली पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में सो इफ यू गेट टू राइट क्वेश्चन आंसर एंड इफ यू गेट द नेम वल्ली मैंशन इन योर क्वेश्चन

फेवरेट पास टाइम इज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोवे ऑफ अ हाउस वाचिंग व्हाट वाज़ हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड तो वली जो है ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं चीज़ें जानने के लिए एंड ऑल्सो उनका जो फेवरेट पास टाइम होता है ना जो फेवरेट चीज़ होती है जिससे वो अपना टाइम पास करती हैं वो होता है घर के सामने जो एक दरवाज़ा है वहां खड़े होकर बाहर देखते रहना कि स्ट्रीट पे क्या हो रहा है हुए इज गोइंग वट एवर इज हैप्पनिंग स्ट्रीट पे विच इज जस्ट विजिबल फ्रॉम द डोर वे ऑफ अर हाउस वो चीजें देखना उस चीज को एक्सपीरियंस करना इज फेवरेट टाइम पास ऑफ वली एंड दिस इज समथिंग दैट शी डज एवरी टाइम वेन एवर शी हैजाइम and she is very curious to know about things jo hote waise inquisitive hote to know more and more about things the same thing is with wali clear okay no playmates of her own age on her street standing at the front door enjoyable as any of the elaborate games other children played watching the street gave her many new unusual एक्सपीरियंस अब वल्ली जो है ना उनके खुद की एज के कोई ऐसे साथीदार नहीं थे जिनके साथ वो खेल सके सो शी डिड नॉट हैड एनी प्लेमेट ऑफ हर ओन एज जो कि उनके साथ गेम्स खेले सो दैट्स वाई स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी इंजॉयबल फॉर हर शी वॉज लाइक कि उसको जैसे बाकी बच्चों के लिए गेम्स खेलना बहुत मजेदार होता है ना सम पीपल लव प्लेइंग हॉप स्कॉच हाइड एंड सीक देन यू हैव टू गो कैच यू नो पकड़म पकड़ाई जो होती है भागो पकड़ो हमको कैच दी पर्सन सो इस तरीके से देर आर सो मेनी गेम्स जो कि बच्चे एक तरीके से इंजॉय करते हैं है ना वल्ली के लिए वैसे ही टाइप की इंजॉयमेंट किस चीज में थी अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर बाहर स्ट्रीट को देखते रहना कि वहां पे क्या चीजें हो रही हैं बिकॉज वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजअल एक्सपीरियंसिस बिकॉज वॉट शी हैज़ नॉट सीन हर इन हर लाइफ येट ऐसे टाइप के एक्सपीरियंसिस विच आर वेरी अनयूजल विच आर नॉट कॉमन फॉर हर आज समथिंग दैट शी कैन एक्सपीरियंस वाइल स्टैंडिंग देर तो उसके लिए वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का मौका जो है वो जो इन्जॉयमेंट है वो इसी तरीके से मिलती है इसीलिए दैट इज़ हर फेवरेट पास टाइम

पास वाले टाउन तक ट्रैवल करती थी सो द बस यूज टू गो फ्रॉम विलेज टू द टाउन देन कम बैक फ्रॉम टाउन टू द विलेज सो इस तरीके से ये जो बस था ना जो बस आके वहां से पास होती थी स्ट्रीट पे खड़ी होती थी लोग उतरते थे एंड चढ़ते थे दैट इज समथिंग जो बड़ा एक्साइटिंग था वली के लिए नाउ फॉर आस इट माइट बी वेरी अजीब सी चीज कि ऐसे कैसे हो सकता है बट फॉर अ पर्सन नेवर सैट इन अ बस जैसे हम छोटे होते हैं जब हम पहली बार ट्रेन में बैठते कितना एक्साइटेड होते है ना कि ट्रेन है कई बच्चे जो हैं उसको बहुत सारे नामों से पुकारते हैं पीपल डोंट नो बच्चों को पता नहीं होता तो ट्रेन होती तो उसके अलग अलग अजीब से नाम रखते हैं खुश हो जाते हैं वैन दे लिसन टू द साउंड जब ट्रेन स्टार्ट होती है एंड स्टफ लाइक दैट कुछ बच्चे जो कभी भी ऑब्वियसली वैन वी सिट इन द फ्लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे लिए कितना एक्साइटेड एक्सपीरियंस होता है जब आप पहली बार क्रूज में बैठोगे आपके लिए एक्साइटेड एक्सपीरियंस होगा सो इसी तरीके से वली नेवर सैट इन अ बस शी हैज नेवर एक्सपीरियंस अ बस जर्नी एंड शी ऑलवेज हर्ड अबाउट इट शी ऑलवेज सॉ दैट बस इन फ्रंट ऑफ अर सो शी वॉज वेरी एक्साइटेड कि नहीं मुझे कभी जर्नी करनी है सो दैट्स वाई दिस वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग फॉर दैट इज बस थी जो विलेज और टाउन के बीच में ट्रेवल करती थी बस पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर बस पैसेंजर सोर्स समथिंग जो बहुत इंटरेस्टिंग था वल्ली के लिए हर एक घंटे में वहां से बस गुजरती थी साथ ही साथ हर बार नए पैसेंजर्स बैठे होते थे बस में ऑब्वियसली मतलब किसी को जाना है टाउन पे उतर जाएंगे टाउन से नए लोग आएंगे वो विलेज पे उतर जाएंगे फिर यहाँ से नए लोग बैठ के वहां जाएंगे सो so, इस तरीके से हर बार नए पैसेंजर्स देखने को मिलते थे बस में वल्ली को एंड ये जो है उसके लिए कभी भी खत्म ना होने वाली खुशी थी इट वॉज अन क्लियर ओके विश वॉन्टेड टू राइड ऑन दस इवन इफ जस्ट वॉन्सारिस्ट फुली एट दीपल शी स्टेड विस्ट फुली एट दीपल हु गॉट ऑन और बस वेन इट स्टॉप एट द स्ट्रीट

क्या दिखता था एक लॉन्गिंग दिखती थी एक इच्छा दिखती थी दैट शी वॉन्ट्स टू गो इन द बस एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस वेन इट स्टॉप एट द स्ट्रीट कॉर्नर तो बिल्कुल स्ट्रीट के कोने में जब भी वो बस रुकती थी और लोग या तो चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं एवरी टाइम यू कुड सी अगर वो पैसेंजर्स हैं दे कैन सी वली उसकी आंखों में वो लॉन्गिंग वो यर्निंग दिख जाएगा कि नहीं शी वॉन्ट्स टू सिट इन द बस हमेशा वो जो पैसेंजर्स हैं उनके चेहरे जो हैं वल्ली के लॉन्गिंग्स में ड्रीम्स में उम्मीदों में होप्स में किंडल करते थे एक तरीके से चमकते थे बिकॉज शी रियली हैड अ होप टू सिट इन दैट बस क्लियर ऑल राइट आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है कि क्यों मैडम राइट द बस नाम दिया गया है डन ओके इफ वन ऑफ अर फ्रेंड्स है बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइड ऑफ द टाउन टू हॉ वी वुड बी टू जेल टू लिस्ट एंड वु इंग्लिश प्राउड प्राउड अगर कभी ऐसा हुआ कि वल्ली के दोस्तों ने उसको कभी कोशिश की बताने की कि भाई हम बस में बैठे थे और हमने टाउन में ये देखा हमने बस से ये देखा या टाउन कैसा है अगर ये सारी चीजें उसके दोस्त उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे ना सो so वाली वुड भी टू जेलस टू लिसन देखो यहाँ पे क्या दिया था कि शी डिड नॉट हैड एनी बडी टू प्ले विथ ठीक है तो उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं था बट ऑब्वियसली शी हैड टू और थ्री फ्रेंड्स जो आसपास रहते होंगे या जो स्कूल में होंगे जो उसको एक हमेशा ये एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि हम बस में बैठे हैं एंड स्टफ लाइक दैट हर कोई अपना फेंका फांकी करता था तो ट्रू फ्रेंड्स सॉर्ट ऑफ नहीं थे ठीक है एंड दे यूज टू टेल हर दे यूज टू नरेट हर अबाउट द टाउन जो भी कुछ देखा वल्ली को बहुत जलन होती थी शी यूज़ टू फील वेरी जेलस बिकॉज वो कभी नहीं बैठी बस में उसके दोस्त बैठ रहे हैं तो वो क्या बोलती थी इंग्लिश में प्राउड 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 का मतलब वो नहीं है जो हम जानते हैं इट वॉज समथिंग एल्स

कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे ही ग्रुप के लोगों को पता होता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं ताकि हमारी यू you नो know, एक सीक्रेट भाषा हो ताकि और लोगों को ना पता चले ऐसे कुछ चीजें होती ना उसको हम स्लैंग कहते हैं जो इन फॉर्मल लैंग्वेज होती है यू कांट यूज इट इन एन ऑफिस और इन फ्रंट ऑफ योर प्रिंसिपल और टीचर्स ठीक है तो इन लोग का स्लैंग क्या था प्राउड और प्राउड का मतलब क्या था

हेयर एंड देर तो बहुत सारे दिनों तक बहुत सारे मंथ्स तक वल्ली जो है वो सुनती थी ध्यान से जितने भी कॉन्वर्जेसन होते थे उनके नेबर्स पड़ोसियों के बीच में या उन लोगों के बीच में जो रोज़ बस से ट्रैवल करते थे तो शी यूज तो टू वेरी केयरफुली विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन लिसन टू देर कॉन्वर्जेशन क्यों क्योंकि वो लोग बस के बारे में बात करते थे तो वो सब कुछ जानकारी इकट्ठा करी थी साथ ही साथ वो इधर उधर कुछ डिटेल्स एक क्वेश्चन ताकि किसी को शक भी ना हो कि ये क्यों पूछ रही है और ऐसे ही बिल्कुल पूछ लेती थी बस से कुछ रिलेटेड

फोर्टी फाइव मिनट्स पैंतालीस मिनट की जर्नी है विलेज से लेके टाउन तक टाउन से लेके विलेज तक अलग फोर्टी फाइव सो शी नीड्स टू गो फोर्टी टू कम बैक सो इस तरीके से दिस इज द कंप्लीट डिटेल अबाउट छ मील की दूरी फ्रॉम टाउन टू विलेज साथ ही साथ पैसे एक साइड के टिकट के तीस पैसे और जो ट्रिप है टाउन की ट्रिप टू द टाउन फोर्टी फाइव मिनट्स क्लियर ओके टाउन नाउ शी इज कैल्क्यूलेटिंग उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है वोट आईव टू डू लाइक मेरे को कैसे क्या करने का है, कैसे प्लान करना है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू गो ऑन अ जर्नी एंड ये चीज वो अपनी मोम को बताने नहीं वाली है दिस इज ऑल्सो समथिंग जो एक मैसेज है फॉर द पीपल ऑफ देयर की छोटे बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लूस हो जाते हैं सो यू शुड ऑलवेज कीप अच ऑन दैम ऑल्सो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू आर सो मच प्रेशराइजिंग देम नॉट टू डू समथिंग कि वो गलत तरीकों से करें सो यू शुड ऑलवेज हैव अ बॉन्ड विथ चिल्ड्रन कि कैसे आपको बैलेंस करके चलना है साथ ही साथ बच्चे भी कभी भी बिना मॉम डैड की परमिशन के दे शुड नेवर टेक अ रिस्क ये तो अच्छी बात है कि आगे जाकर पता चलेगा कि कंडक्टर अंकल बड़े अच्छे थे अदरवाइज एनी कुनी थिंग कुड हैपन तो ये भी एक मैसेज है जो आपको इंडायरेक्टली दिया जा रहा है और राइट ओके सो ये जो बच्ची है वो क्या कैलकुलेशन कर रही है कि वो अगर एक बजे की बस लेती है दोपहर को एक बजे अगर वो बस में चढ़ती है और वो फोर्टी फाइव मिनट

बस इज ऑन द पॉइंट इन टू दिन ऐसा स्मॉल वॉइसिंग स्टॉप द बस स्टॉप द बस एंड वॉज रेस्ट कमांडिंगली तो एकदम से आवाज आती है बस रोको बस रोको एक छोटा सा हाथ जो है ऑर्डर देते हुए था कि रुक जाओ रोक दो बिल्कुल ठीक है शॉर्ट ऑफ

कंडक्टर कूडेंट बिलीव वल्ली शोड हिम सम समय नाउ कंडक्टर वॉज लाइक ऐसे कैसे मतलब इतनी सी बच्ची विल ट्रैवल अलोन ये चीज अनबिलीवेबल थी तो वल्ली ने प्रूफ करने के लिए कि दैट शी रियली हैड हाँ टू ट्रैवल अलोन वो कुछ कॉइन्स दिखाती है सिक्के दिखाती है पैसे दिखाती है ऑब्वियसली फिर कंडक्टर को लगेगा कि बच्चे के पास पैसे हैं सो फॉर श्योर शी इज गोइंग टू ट्रैवल कंडक्टर स्ट्रेच आउट अंड टू हेल्प हर आप नेव अर माइंड वाली सेट आई कैन गेर ऑन बाय माई सेल्फ यू डोंट हैव टू हेल्प मी ना कंडक्टर जो अंकल है वो ऑब्वियसली हाथ दिखाते कि भाई वल्ली बच्ची है तो जल्दी से चढ़े जाए बस में जैसे ही वो हाथ दिखाते हैं वल्ली बोलती नहीं कोई जरूरत नहीं है मैं खुद ही चढ़ सकती हूं बस में आई एम वेरी मच सक्षम तो आई कैन डू इट ठीक है तो मैं खुद ही चढ़ जाऊंगी बस में यू डोट हैव टू हेल्प मी आपको मेरे को मदद करने की जरूरत नहीं है सो दिस प्रूव वली वॉज ऑफ एज के टर्म्स में शी वॉज वेरी छोटी लाइक शी वॉज ऑफ एट ईयर्स ओल्ड बट शी वॉज वेरी मच्योर एंड स्ट्रॉन्ग गर्ल क्योंकि इस कमांडिंग वे में शी वॉज टॉकिंग टू द कंडक्टर कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट कंडक्टर वॉज लाइक अ चिल्ड मैन ही वॉज लाइक जोकिंग टाइप की पर्सनैलिटी थी उनकी तो हमेशा मस्त जोक मारते रहते थे ही वॉज फॉन्ड ऑफ जोकिंग ओ प्लीज डोंट भी एम्च विथ मी माई फाइन मैडम ही सैड नाउ बिकॉज कंडक्टर हैव अ हैबिट ऑफ मस्त जोक मारने की सो ही वॉज लाइक ओ हो मैडम आई एम सो सॉरी मतलब ठीक है like, madam, aur, uh, आप गुस्सा मत होइए मैडम इट्स फाइन लाइक माई फाइन मैडम और आप चढ़ जाइए खुद ही चढ़ जाइए तो मैडम मैडम बोल के ही वॉज से हसने लगते हैं, conductor के साथ क्योंकि मजाक उड़ा रहे थे न, सी बच्ची है और ऐसे कमांडिंग बात करिए वाइज लाइक मैडम सॉरी मेरे गुस्सा मत हुई है सो so इस तरीके से बाकी पैसेंजर्स भी जो है घूर घूर के देखते हैं कि इसको वल्ली को एंड देख क्लियर ओके बस वाज़ अ न्यू बस आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर अब वल्ली जो है जैसी बस में बैठती हैं तो वो पूरा बस वगैरह देखती हैं ऑब्वियसली फॉर हर इट वाज़ लाइक जैसे अगर आप पहली बार फ्लाइट में बैठोगे तो आप नहीं सब देखोगे अच्छा यहाँ लगेज रखते हैं और ये होती है यू नो कार्ट एयर तो ऐसी विंडो के बाहर आप पूरा सीन देखते हो कि ऐसा दिखता है आसमान फ्रॉम एरोप्लेन तो इस तरीके से सारी चीजें हम लिंक कर सकते हैं सो सेम वे में वाली वॉज ऑल्सो लुकिंग इन द बस लुकिंग एट द बस द वे वी वुड लुक कभी भी हम पहली बार कभी फ्लाइट से ट्रेन से ट्रेवल करेंगे तो तो वो देखती है कि बस जो है वो एक नई बस थी इट वॉज बस बाहर से बिल्कुल चमकता हुआ वाइट पेंट किया हुआ था बस को और कुछ हरे कलर की ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स बनी हुई थी इन साइड द ओवर हेड बार शोन लाइक सिल्वर और ऊपर से बार लगे तो जिसको आप पकड़ते हो इफ यू हैव टू स्टैंड इफ यू डोंट गेट डोट सीट और बहुत ज़्यादा यू नो स्पीड में चलती बस तो आप गिर ना जाओ तो यू होल्ड समथिंग है ना पकड़ लेते हो तो वो जो ऊपर के बार्स लगे थे देवर शाइनिंग लाइक अ सिल्वर तो सिल्वर की तरह वो शाइन कर रहे थे ऑब्वियसली बिकॉज वैसा ही कलर होता है डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वाली विंड शील्ड अ अब्ड क्लॉक और बस के सामने का जो पोर्शन होता है ना बड़ा सा आईना होता है ड्राइवर के सामने वो विंड शील्ड कहलाती है ठीक है तो उसके जस्ट ऊपर क्या था बस में एक बहुत ही प्यारी सी घड़ी लगी हुई थी द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस सीट्स कंफर्टेबल थी दे वर वेरी सॉफ्ट ऐसा लग रहा था बहुत लग्जूरियस है हाई फाई टाइप की है एंड वाली वॉज सिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बस सो शी वॉज टोटली मेसमराइज बाय द ब्यूटी Of the bus. रही थी शी वॉज टेकिंग फील ऑफ ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉर आईज बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ही ब्यूटिफुल था उसके लिए सब कुछ तो शी वॉज लाइक यू एक्सपीरियंस करना तो अच्छे से करो डन ओके Started to look outside, found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. Stood up on the seat and peered over the blind. Now she was like she wanted to look outside the window. Okay, outside, and because she found कि एक कैनवस ब्लाइंड लगा हुआ एक पर्दा टाइप का लगा है जो उसके व्यू को कट कर रहा है ठीक है उसको पूरी तरीके से नहीं दिख रहा था बिकॉज जो लोअर पार्ट था विंडो का ना वो थोड़ा ढक गया था उससे कवर अप हो गया था तो शी वॉज लाइक शी वॉन्टेड टू सी कंप्लीट व्यू तो वो सीट पर खड़े होकर ब्लाइंड के उधर टाइप के देखती है

वाली तो सिट उन अड सो देर वॉज मैन एक बुजुर्ग से अंकल हैं तो वो वाली को बोलते हैं बेटा बैठ जाओ बिकॉज ऑब्वियसली सीट पर खड़ी है कभी उधर टर्न कर गई तो वो तो गिर जाएगी बहुत गंदी तरीके से इंजरी लग सकती है सो so, इस तरीके से शी वॉज लाइक कि उसको एक तो दूसरी बात कि शी वॉज अनोयड बाय हिज अटेंशन शी वॉज नॉट लाइकिंग समबडी टू इंटरफेयर बिकॉज उसके लिए ऐसा था कि बस मैं ये व्यू पॉइंट ये पूरा बस एंड शी वॉज लाइक इंजॉइंग दैट तो एकदम से एक एल्डरली मैन जो उस पर ध्यान दे रहा है अटेंशन पे कर रहा है उसको टोक रहा है कि भाई तुम बैठ जाओ एंड स्टाफ शी रिडल लाइक इट शी वॉज नॉट हैप्पी विद इट देर इज नो बडी हेयर हुज़ अ चाइल्ड वली सेड हॉटिली सो शी वॉज लाइक बहुत ही बिल्कुल गर्म मिजाज में वली ने बोला यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है ठीक है बिकॉज अंकल ना सिट डाउन बेटा बैठ जाओ सो शी वॉज लाइक कोई बच्चा बच्चा नहीं है कोई चाइल्ड नहीं है वल्ली आई एम नॉट अ मैडम यू हैव नॉट माई टिकट कंडक्टर एवरी वन लाफ्ट एंड ग्रेजुअली वाली टू ज्वाइंट इन द लाफ्ट जब ये बोलती है ना कि मैं इधर कोई बच्चा बच्चा नहीं है सो so कंडक्टर जी बोलते हैं हाँ भाई तो मैडम है है ना तो वल्ली बोलती है कंडक्टर को कि भैया मैं कोई मैडम नहीं हूं दूसरी बात आपने मेरे को अभी तक मेरी टिकट नहीं दी है है? मतलब पैसे तो ले लिया आपने मेरी टिकट नहीं दिया है तो कंडक्टर जो है वो उनको उन्हीं की आवाज में मि, मिमिक करके उनकी एक्टिंग करके उनको बोलते हैं एंड इसी तरीके से सब लोग जो है हंसने लगते हैं एंड फाइनली वल्ली भी हंसने लगती है बिकॉज पता नहीं शी वॉज लाइक अ चाइल्ड ओके तो वो भी इंजॉय करने लगती है शी ऑल्सो लाव विद एवरीबडी एल्स कंडक्टर सेज इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ सेल्फ द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ सो सिट डाउन फिर कंडक्टर बच्ची को एक्सप्लेन करते हैं वल्ली को एक्सप्लेन करते हैं कि देखो अगर तुम सीट पे खड़ी रहोगी और एकदम से बहुत शार्प टर्न लिया बस ने तो तुम गिर जाओगी तुमको चोट लग जाएगी तो बेटर क्या होगा कि तुम बैठ जाओ क्योंकि अगर कोई शार्प टर्न लिया या किसी स्पीड ब्रेकर या गड्ढे से जो बस है बहुत टकरा वकरा गई है एकदम से यू नो पड़ जाता है एकदम क्या बोलूँ मैं कि कोई बंप आ गया बीच में एंड इफ द बस इज लाइक एकदम से झटका लगेगा सो यू वुड फॉल तो इसीलिए बैठ जाओ द बस स्टॉप न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन अफ्रेड ऑफ लूजिंग सीट वहली फाइनली बस रुकती है बस कहाँ रुकेगी जहां स्टॉप होगा तो क्या हो गया भाई स्टॉप था तो और नए पैसेंजर्स बस में बैठने लगे अब वल्ली को ऐसा था कि अगर मैं खड़ी रहूं और कोई मेरी सीट ले गया तो तो इसीलिए शीजर सैट डाउन तो इसीलिए बस की बोल सकते हो सीट को खोने के डर से शी लाइक बैठ जाना चाहिए, शी एक बुजुर्ग महिला आके बैठी एक एल्डरली वुमन आके बैठी आई डी एस दस स्टार्ट अगैन अब ही बस स्टार्ट होती है ना तो वल्ली से वो आंटी पूछती है कि क्या तुम अकेली हो ऑबियसली बिकॉज वो आठ साल की बच्ची है और जिस टाइम ये स्टोरी लिखी गई है तब के टाइम पे वैसे भी तो छोटे बच्चे अकेले ट्रैवल करें बहुत बड़ी बात है ठीक है सो शी वाज लाइक क्या तुम अकेली हो या फिर कोई तुम्हारे साथ ट्रैवल कर रहा नेक्स्ट व्हाट हैपेंड वाज वर्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव व्हाट इज रिपल्सिव कॉजिंग स्ट्रांग डिसलाइक तो अब वो जो लेडी है बीइंग लाइक like, You know, कि छोटी सी बच्ची है वल्ली सो शी जस्ट आस्ट कि तुम अकेले हो कि कोई है डायरेक्टली like, नहीं पूछा बट तो यही पूछना रही थी वो तो दैट एल्डरली वुमेन वेरी वेरी रिपल्सिव वट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ रिपल्सिव इज वन यू डोंट लाइक समथिंग और आप बहुत रिपेल्ट फील करते हो you, you like, मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल दट इज वॉट इज रिपल्सिव सो फॉर वाली

दैट लेडी हैड बहुत बड़े होल्स और उसमें जो ईयर पहने थे वो भी अच्छे नहीं लग रहे वल्ली को तीसरी बात ये है कि वो जो लेडी है वो बीटल नार्स सुपारी चबा रही थी एंड पूरी स्मेल आ रही थी उस सुपारी की वल्ली को साथ ही साथ ऐसा था कि किसी भी मोमेंट वो जो बीटल नट वो च्यू कर रही हैं इट कमाइट साउंड वेरी ग्रोस बट ठीक है पढ़ना पड़ेगा सो so, बीटल नट खाते वक्त सुपारी का जो अंदर जूस बन रहा होगा ऐसा लग रहा था कभी भी किसी भी मोमेंट वो पूरे लिप्स पे स्पिल हो सकता है यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन शी ऑन कर्टली तो वली वॉज लाइक शी एक तो पहली बार शी रि लाइक लेडी दूसरी बात शी वॉज ऑल्सो आस्किंग ऐसी टाइप का कुछ क्वेश्चन सो शी वॉज लाइक उसने बहुत ही करटली बहुत ही शॉर्ट uh, में और बहुत रूड वे में कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोल दिया ये आई एम ट्रावलिंग अलोन इस तरीके से तो शी सर हाँ मैं खेले ट्रेवल कर रही हूँ वुमेन वेंट ऑन विध्रिविल बट जो ओल्ड लेडी थी जो एल्डर वुमेन थी वो लगी हुई है वो अपनी ही बातों में लगी हुई है शी वॉज टॉकिंग अबाउट लाइक द नॉन सेंस वट एवर शी है चालू थी शी वॉज से इज इट प्रॉपर फो सच अंग पर्सन टू ट्रैवल क्या ये सही है कि इतनी सी बच्ची इतनी सी उम्र में अकेले ट्रैवल कर रही है डू यू नो एग्जैक्टली वे यू आर गोइंग इन टाउन क्या तुमको पता भी है कि तुमको टाउन में एग्जैक्टली exactly जाना कहाँ है व्हाट्स द स्ट्रीट स्ट्रीट कौन सी है रास्ता कौन सा है व्हाट्स द हाउस नंबर घर का नंबर क्या है जहां पे तुमको जाना है यू नीड नॉट बॉर्डर अबाउट मी एंड देन वल्ली सेट आपको मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ सो वॉट हैपन वॉज दिस लेडी वॉज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम वली उन्होंने क्या क्या पूछा कि क्या ये सही है इतनी सी बच्ची जो है अकेले ट्रेवल करे दूसरी बात क्या तुमको पता भी है तुमको कहां जाना है exactly? एग्जैक्टली क्या तुम्हें स्ट्रीट के बारे में कोई नॉलेज भी है कि विद स्ट्रीट यू आर गोइंग या फिर कौन सा घर का नंबर क्या है ये भी पता है तुमको एंड इतने सारे क्वेश्चन थे तो वली वॉज लाइक आपको मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ सो कहीं ना कहीं द लेडी वॉज राइट अपनी जगह पे वो बिल्कुल सही थी बट दैट छोटी बच्ची शी पर लाइक क्या यू सही एंड स्टफ शिकड़ा बेटा कैसे क्या हुआ वट मतलब ऐसे प्यार से पूछ सकते थे सो दिस इज हाउ थिंग्स वर गोइंग ऑन एंड ऑब्वियसली इतनी छोटी बच्ची को अकेले ट्रैवल करते देखना सभी के लिए बहुत शॉकिंग था क्लियर ओके

बट क्या हमने ये डिस्कस किया कि वली पैसे कैसे सेव कर रही थी लाइक शी हैड टू सेव पूरे सिक्सटी पैसे जो उतनी मतलब इस छोटी सी बच्ची के लिए बहुत बड़ी बात है है ना सो हाउ डिड शी सेव दैट तो उसका पूरा आपको दिया हुआ है कि बिकॉज इट वाज हर फर्स्ट जर्नी इट वाज फॉर श्योर केयरफुल वाली बिकॉज शी हैड टू बी वेरी सतर्क वेरी अलर्ट क्योंकि बिना बताए उसको ये करना था दूसरी बात इट वॉज़ पेंस टेकिंग पेनफुल थी नॉट लाइक जनरल पेन इट वॉज लाइक कि थोड़ा अपनी इच्छाओं को मारना जो भी टेम्पटेशन है उनको रेजिस्ट करना एक छोटी बच्ची के लिए पेनफुल है राइट एंड इलेबोरेट प्लांस इतने बड़े बड़े ध्यान से डिटेल्ड प्लान बनाना कितने बजे निकलना है कितने पैसे सेव करना है स्टफ लाइक दैट ये पूरी चीजें इन्वॉल्व थी एंड दैट इज हाउ अपनी फर्स्ट जर्नी कंप्लीट कर पाई मेड थ्रिफ्टीली सेव्ड एवर वे कॉइन्स केम हो बहुत ही कंजूसी के साथ ध्यान रखते हुए जितने भी पैसे उसको मिलते थे ना जितनी कोशिश कर पाए वो सब उसने सेव किए उसने अपनी हर टेम्पटेशन जो भी उसको लालच दिखती थी वो कुछ भी हो किसी भी टर्म्स में हो वो पेपरमेंट के टर्म्स में हो जो उसको अच्छे लगते थे खाना वो टॉयस खरीदने के टर्म्स में हो जो हर बच्चे को पसंद है वो बलून्स देख ना खरीदना हो जो बहुत बड़ी बात है एंड इसी तरीके से बहुत सी चीजें हैं दैट शी हैड टू रेजिस्ट एंड उस पैसों को वो सेव कर रही थी फाइनली उसने फिर पूरे सिक्सटी पैसे जोड़ लिए सेव कर लिए थर्टी पैसे विलेज से टाउन तक की टिकट के और टाउन से विलेज तक की टिकट के क्लियर ओके Village Fair resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. Now, uh, she went to the village fair, which um मेला लगता है ठीक है तो शी वेंट देयर और वहां पर क्या होता है शी विथ वेरी फॉर्मनेस बहुत ही ज्यादा कोशिशों के बाद बहुत दिक्कतों के बाद शी कंट्रोल्ड हर स्ट्रॉन्ग डिजायर वॉट शी वॉन्टेड टू डू एट शी वॉन्टेड टू राइड द मेरी गो राउंड जो झूला होता है ना गोल शी वॉन्टेड टू सिट इन दैट मतलब हर बच्चे को मजा आता है बचपन में क्या बड़ों को भी बहुत मजा आता है झूला बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है मेरी गो राउंड राइट सो शी ऑल्सो हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर कि शी हेज टू सिट इन दैट मेरी गो राउंड एंड ऑल्दो शी हैड मनी मतलब कर सकती थी वो कोशिश कि वो पैसे वहाँ टिकट पर देके शी सेव मनी बट उसने बहुत फर्मनेस के साथ अपने इस को किया, she कि निकलेगी कैसे घर से नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट नॉलेज अब वो घर से कैसे निकलने वाली है फोर्टी फाइव मिनट फोर्टी फाइव मिनट चलो पचास पचास मिनट ले लो अराउंडोर्टी मिनटेड कि वो अपनी मोम के नज़रों से बच के शी जस्ट गोज आउट ऑफ द हाउस जस्ट सिट्स इन द बस चली जाए टाउन तक कम बैक देन शी अगेन एंटर्स द हाउस और इन सब चीज़ों के बारे में उनकी मोम को पता ना चले सो so, ये भी प्लान करना था वली को दैट हाउ कैन शी डू दैट लाइक हाउ सीक्रेटली शी कैन जस्ट डील विद दिस क्लियर ओके मैनेज्ड विदाउट टू मच डिफिकल्टी बट शी वॉज एबल टू मैनेज दिस विदाउट मच डिफिकल्टी मतलब उसको उतना परेशानी नहीं हुआ कैसे एवरी डे आफ्टर लंच मदर वुड नैप फ्राम अबाउट वन टू फोर और सो हमेशा दोपहर के खाने के बाद लंच के बाद वली की मोम जो है वो दिन में सोती थी सो so, एक से चार बजे तक या चार बजे के लगभग जो है उनका टाइम होता था टू स्लीप इन आफ्टरनून वल्ली ऑलवेज यूज दीज आर्स और वल्ली का ऐसा नहीं था दैट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शी वॉज यूटिलाईजिंग दीज आर्स उसके लिए तो वो यूटिलाइजेशन ही हुआ She has already done this. What she has done before is excursions.

ऑल्सो शी हैज़ बीन रोमिंग इन द विेज ओनली इस टाइम uh, को वो हमेशा विज के अंदर ही घूमने वूमने में यूटिलाइज करती थी बट नाउ शी इज गोइंग टू यूटिलाइज दीज आर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ किसके लिए फॉर अ शॉर्ट ट्रिप जो विलेज के बाहर होने वाली थी तो दिस वॉज डेफिनेटली एक्साइटिंग फॉर हर एंड ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं था उसके लिए मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना पैसे जोड़ना था बिकॉज यू हैव टू रेजिस्ट सो मनी टेम्टेशन बट दिस इज समथिंग जो ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस थी क्लियर ओके okay. bus rolled on now let's come back to buski journey now she's seat, sitting in the bus and bus rolled on cutting across a bare landscape rushing through a tiny hamlet that is a small settlement with a few houses और पास नॉट वे साइड शॉप नौ सारी चीजें हो रही हैं बस चल रही है कभी वो लैंडस्केप कट करते हुए निकल रहा है कभी यू you नो know, आसपास क्या दिख रहे हैं हेमलेट यानी कि जहाँ छोटे छोटे घर बने होते हैं वहां पर से जा रहे हैं या फिर एक कोई बहुत ही पुरानी रोड के साइड पे शॉप बनी हुई है वहां से निकल रहे हैं सो दिस इज हाउ ये सारी चीजें जो है वल्ली देख पा रहे हैं सडनली वली क्लाप हैंड्स विद ग्ली सडनली वली इज वेरी हैप्पी शी इज वेरी हैप्पी इन शीज क्लापिंग तालिये जा रही है वॉट हैपन्स इज अंग टेन हाई इन द एयर रनिंग वेरी फास्ट

So, ये चीज़ वाली जब देख रही है कि गाय भाग रही है बिल्कुल रोड के बीच में बस के आगे तो ये चीज बहुत ज्यादा हैप्पीनेस का रीजन थी फॉर वाली एंड शी वॉज एंजॉइंग इट एंड क्लैपिंग बस स्लोड डाउन टू क्रॉल एकदम से बस जो है वो धीरे से रुकी एकदम होता है ना स्पीड से बिल्कुल एकदम से रुक जाना ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन अगेन एंड और ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहे थे ऑब्वियसली ताकि वो काव जो है वो वहां से चली जाए मोर मोर ही द द एनिमल बिकेम एंड फास्टर इट जाएंग्राइट ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस वेरी फनी टू वाली जो ड्राइवर है वो हॉन्ग कर रहे थे हॉर्न बजा रहे थे उतना ज्यादा वो जो काव है डर जा रही थी एंड जितना ज्यादा काव डर रही थी ना वो उतना ही तेज भाग रही थी वो उतना ही फास्ट तरीके से भाग रही थी एंड हम ट्रेन आगे 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 तो स्टेशन और बहुत ही, ही जल्द जो बस है वो कहां पहुंच गई रेल रोड क्रॉसिंग पे ऐसा होता है जहां रेलवे ट्रैक और बस का रोड होता है ना सो तो इस तरीके से क्या होता है जब इस रोड पे जाना है बस को तो यहां सिग्नल्स आ जाएंगे क्लोज हो जाएगा यहां पे और वैसे यहाँ बस रुक जाएंगी और ट्रेन पास कर जाएगी जैसे ही ट्रेन पास कर जाएगी ये खुल जाएंगे जो भी बैरिगेट्स हैं एंड इस तरीके से द बस कैन मूव ऑन टू द रोड सो मूव ऑन द रोड सो इस तरीके से ये आ, रेल रोड क्रॉसिंग पे पहुंचते हैं और बस जो है फिर वो चली जाती है एंड ट्रेन स्टेशन पास होता है वहां से फ्रॉम देयर इट ट्रेवल्स अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग थ्रू उटिंग स्ट्रीट है टाउन में है तो ऑब्वियसली सो मेनी पीपल राइट सो so, यहां से यह गुजरती है फिर बस टर्न करती है और एक और बिजी से पब्लिक रोड पे पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे लोग हैं बहुत बिजी सा रोड है क्लियर ओके okay. such big bright-looking shops glittering displays of clothes and other merchandise big crowds struck dumb with wonder wally gaped

और वल्ली जो है वो सारी चीजों को एक एक्साइटमेंट के साथ उस आंखों में वो एक्साइटमेंट दिख रही थी लुकिंग एट एवरीथिंग बस स्टॉप एकदम से बस रुकी एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली यानी टाउन का जो मेन स्टॉप था वो पहुंच गए वहां पर बस सब लोग उतर गए बस से बट वल्ली नहीं उतरी क्यों नहीं उतरी बिकॉज वी नो शी ओनली वॉन्टेड टू एंजॉय द बस जर्नी उसको टाउन में घूमने का कोई इंटरेस्ट नहीं था गोइंग बैक ऑन द सेम बस टुक अनादर थर्टी पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द द टू कंडक्टर नाउ वल्ली हैड प्लान एवरीथिंग शी हैड टू रीच द हाउस बिफोर टाइम या ऑन टाइम एटलीस्ट ताकि उसके मॉम को पता ना चले राइट सो वल्ली वॉज लाइक कि उसको उसी बस में वापस जाना है विलेज तो शी टुक आउट बाकी के थर्टी पैसे ताकि वो वापसी जाने की या वापस जाने की जो टिकट है वो खरीद पाए एंड शी गेव दोज कॉइन्स टू द कंडक्टर सो दैट शी कुड बाय द टिकट वल्ली जस्ट फेल लाइक है बस राइड सॉल सो शी वॉज लाइक मुझे सिर्फ बस राइड करनी थी मुझे एक्सपीरियंस करना था बस में बैठना कैसा होता है खिड़की के बाहर कैसी क्या चीजें होती हैं एंड बस वो हो गया सो शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी बॉट दी रिटर्न टिकट कंडक्टर आज वाली डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइड नाउ दैट यू आर हियर सो कंडक्टर वाज लाइक अब तुम पहुंच ही गई हो टाउन सो डोंट यू वांट टू हैव अ लुक कि कैसी होती हैं चीजें टाउन कैसा है यहाँ का मार्केट कैसा है डोंट यू वांट टू एंजॉय दैट

वली को बोला कि तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो तो ऐसा कुछ नहीं था कि शी वॉज अफ्रेड कि उसको बस में अकेले ट्रैवल करना तो कंडक्टर बोलते पर तुम तो कभी भी बस में अकेले ट्रैवल करने से नहीं डर रही थी तो बाहर जाने से क्यों डर रही हो सो so, वली वॉज लाइक अरे इससे इसमें क्या डरने की बात है बस में बैठ के थोड़ी कोई डरता है बट ऑब्वियसली अकेले इतनी बिजी स्ट्रीट में जाना इज वेरी मच लाइक स्केर फॉर हर कंडक्टर सेड वॉन्ट यूर माधव लुकिंग फॉर यू वाली सेड नो नो वन विल भी लुकिंग फॉर मी तो कंडक्टर पूछते अच्छा मतलब फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी कहाँ चली गई मेरी बेटी तो so, वली बोलती नहीं नहीं मेरे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा ऑब्वियली कंडक्टर वो पूरा एक्सप्लेन थोड़ी करेगी कि 1 से 4 तक मेरी मम्मा सोती रहती है उनको नहीं पता मैं वैसे भी घर के बाहर जाता तो ये सारी चीजें थोड़ी बताएंगी वो तो वो तो बोलती कि नहीं नहीं को मेरे नहीं मेरे 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 को को कोई 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 भी भी you know, लिए लिए ढूंढ रहा होगा यू नो इंतजार या वुड बी लुकिंग आउट फॉर मी क्लियर ओके बस बस स्टार्टेड अगेन फाइनली फिर से चालू होती है. Again, same -E the सबसे पहली बार, तो आप जैसे कर रहे हो, अपने पहली बार सारी चीजें देखी तो आप एक्साइटेड रहेंगे अब वापस आप थोड़ी ही देर के बाद उसी सेम रोड से जा रहे हो आपको सारी चीजें वापस दिखेंगी सो विल यू बी एक्साइटेड जस्ट लिंक दिस विद दिस फैक्ट आप फ्लाइट में बैठे पहली बार आपने देखा विंडो से कि यू नो कैसा दिखता है आसमान नीचे कैसा दिखता है सब कुछ एंड यू एंजॉयड इट अब आपकी फिर से एक और जर्नी है ठीक है आई चलो एक दो घंटे बाद में एक दो बार में थोड़ी वो एक्साइटमेंट कंप्लीटली खत्म हो जाता है ऑब्वियसलीट समथिंग की फर्स्ट टाइम जैसा ही होता है सेम गोज विथ वल्ली वल्ली वही सेम रोड से वापस जा रही थी तो उनके लिए वही साइट्स थे वही सीन्स थे विंडो के बाहर जो उसने अभी पहले देखे she had the same same excitement in her eyes the way she had जब वो first time देख रही थी इन सीन्स को तो she was very excited she didn't have कि थोड़ा भी एक्साइटमेंट कम हुआ she was very happy and ये सारी चीजें वो देख रही थी suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside just where it had been struck by some fast moving vehicle थोड़ी देर पहले वाली was very happy सब कुछ अच्छा अच्छा था she saw that funny incident of the cow running and stuff अब जब वो वापस आ रही है ना शी वॉज वेरी हैप्पी अगेन वही सारे सीन्स देखकर बट सडनली उसने क्या देखा ना कि एक यंग काव जो है वो रोड पे है एंड इट्स डेड जो काव है इट्स डेड और ऐसा लग रहा था कि उस जगह पे ना किसी बहुत ही तेज चलती हुई गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी है काउ को एंड दैट्स वाई उस काउ की डेथ हो गई है वर्ली आज द कंडक्टर अब वर्ली कंडक्टर से क्वेश्चन करती है सेम दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आर ट्रिप टू टाउन ही इट एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस तो वल्ली जो है कंडक्टर से चीज कंफर्म करती हैं कि क्या ये वही गाय है या वही काव है जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे बस के आगे थी कंडक्टर तो मुंडी हिलाते हैं नोट करते हैं कि यस ये वही काव है एंड जैसे ही वल्ली को ये सुनाई देता है कि ये वही काव है जो थोड़ी देर पहले मस्त हस्ती खेलती भाग रही थी अब उसकी डेथ हो गई कुछ ही मिनटों में शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस वल्ली एकदम से जो उसका एक्साइटमेंट हैप्पी मूड था वो एकदम से उदास हो गई बहुत ज्यादा उदास हो गई क्लियर ओके

क्योंकि उसने क्या देखा था ना कि एक बहुत ही प्यारी सी काउ मस्त खुश ब्यूटीफुल सा क्रीचर है ना वो मस्त यू you नो know, थोड़ी देर पहले हैप्पी थी भाग रही थी एंड स्टाफ सडनली अब ये जो क्रीचर है उसका पूरा जो चाम है जो ब्यूटी है वो गायब हो गई उसकी जो लाइफ एंड इट वॉज लाइक इट लुकड हॉरेबल उसकी लाइफ भी चली गई इट्स नो मोर देर इट्स डेड साथ ही साथ बहुत ही अजीब डरावना लग रहा था उसको देखकर सो फ्राइटनिंग एज ए ले देर वो बहुत ही ज्यादा स्केरी था वल्ली के लिए स्पेसिफिकली बिकॉज वो जो गाय है वो रोड पे बिल्कुल ऐसे डेड पड़ी थी एंड हर लेग्स वर स्प्रेड ईगल्ड यानी कि पूरे फैले हुए थे स्ट्रेस्ड आउट थे और आँखों में वही आँखें खुली थी अब तो एक ही स्टेर होगा ठीक है क्योंकि अब लाइफ नहीं है सो so ब्लिंक नहीं होंगी आईज एंड ऑल्सो पूरी जगह पे ब्लड ही ब्लड था बिकॉज ऑब्वियसली वो गाय जो है इट वॉज ट्रक वायकल एंड इट वॉज डेड मेमोरी ऑफ द डेड एंड वली के लिए ये जो सीन था कि वही गाय जो है उसकी डेथ हो गई है ये चीज बहुत स्केरी डरावना था वल्ली के लिए डैम्पनिंग हर एंथम एंड शी वॉज सो एक्साइटेड इतनी खुश थी वो और वो पूरी एक्साइटमेंट जो है धीरे 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 रिड्यूस हो गई कम हो गई क्यों क्योंकि ये सीन उसने देख लिया नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो बिफोर शी वॉज सो एक्साइटेड टू सी आउट ऑफ द विंडो नाउ शी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड अब उसको मन ही नहीं था कि वो विंडो के बाहर देखे भी मैं उसने ऐसा कुछ देख लिया था डन ओके okay. सैट ग्लूड टू हर सीट अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट थ्री फोर्टी और वो बिल्कुल सीट पर चिपकी हुई बैठी हुई थी कोई मूवमेंट नहीं विंडो के बाहर नहीं देखना कोई एक्साइटमेंट नहीं कोई खुशी नहीं एंड ही बस रुकी उसके विलेज के घर पर जहाँ पे उसको तरना था तब टाइम हो रहा था थ्री फोर्टी

करनी है प्लीज आप आइए ज्वाइन कीजिए हमें एंड यस yes, पैसे लाना मत भूलना किराया लाना मत भूलना so, इस तरीके से एक मजाक किया कंडक्टर ने एंड वो बस से उतर जाती है क्लियर ओके लाफ्ट एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ व आंट्स आंड वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट ना जैसे ही वल्ली उतरती हैं बस से वो जाती हैं घर की तरफ भागते हुए जाती हैं और वो क्या देखती हैं कि उनकी मॉम जो है वो जाग रही थी वो सोनी रही थी एंड वो वल्ली की कोई आंटी से बात कर रही थी जो साउथ स्ट्रीट पे रहती हैं शी वॉज अ रियल चार्टर बॉक्स नेवर क्लोजिंग ह माउथ वंश शी स्टार्टेड टॉकिंग और वल्ली की जो आंटी थी ना वो ऐसी थी जो बहुत बातें करती थी शी वॉज अ चार्टर बॉक्स एक बार मुंह खुल गया तो फिर बंद होने का नाम ही नहीं लेगा सो शी यूज टू टॉक अ लॉट आंट टू वाली अब जो आंटी हैं वो वल्ली को कहती जैसी वल्ली को देखती है ना वो कहती है वेर हैव यू बीन स्मोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई वाली जस्ट स्माइल So, जो आंटी थी वल्ली से बहुत ही कैजुअल वे में पूछती है वेर तुम कहाँ थी वेर पूछा तो इसीलिए वल्ली को लगा कि उनको रिप्लाई नहीं चाहिए इस बात का तो वो कुछ रिप्लाई करती भी नहीं है और बस हंस देती है मदर एंड आंट वेंट ऑन विद विदर्जेशन और जो मॉम है वल्ली की और जो आंटी हैं उनका ऑलरेडी एक वार्तालाप चल रहा था एक कॉन्वर्जेशन चल रहा था सो दे वर लाइक कंटिन्यूइंग इट तो वो अपनी ही बातें करने लगते हैं मदर सेट सो मेनी थिंग्स आर मेथ वर्ल्ड आउटसाइड हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरी थिंग जो मोहम्म है, की को बोलती है कि भाई हमारे आस पास कितनी सारी चीजें हैं हमारे बीच में कितनी सारी चीजें हो जाती हैं तो हमको सब कुछ कैसे पता चलेगा ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि हमको सब कुछ पता चले एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कैन अंडरस्टैंड कंप्लीटली कैन भी फिर नेक्स्ट वो बोलती है चलो ठीक है अगर हमको पता भी हो तो जरूरी थोड़ी हमको वो चीज़ समझ आए लेकिन ऐसा कई बार होता है कि हमको अगर बहुत सारी चीज़ें पता भी होती है ना तो हमको समझ नहीं आती है ना तो ऐसे करके वो क्वेश्चन कर रही थी आंटी से वल्ली सैड ओ oh, यस yes. तो वल्ली का एकदम से आंसर आता है ओ oh, यस yes. अब इसके दो रीजन्स हो सकते हैं एक तो शायद वल्ली इस चीज़ पे इसलिए हाँ कर रही थी कि जो मॉम है उनको पता भी नहीं है कि वल्ली घर से बाहर जाकर बस में बैठ के टाउन होकर वापस भी आ गई है या फिर दूसरा ये होगा कि वल्ली वॉज लाइक कि उसको भी नहीं पता था कि जो क्रीचर थोड़ी देर पहले मस्त हस्ता खेलता हुआ था सडनली उसकी डेथ हो गई तो लाइफ और डेथ का कुछ नहीं कह सकते हो आप तो मे भी वो था बट ज्यादा हम इंक्लाइंड इसी चीज पे होते हैं कि शायद शी वॉन्टेड टू से कि कितनी सारी चीजें हैं पता नहीं चलता जैसे वल्ली जाकर आ भी गई और उनकी मॉम को नहीं पता था मदर सेट वॉट वॉट्स दैट यू से अब उनकी मॉम शॉक थी कि इतनी सी बच्ची को क्या पता है तो वो बोलती कि तुमने ये क्या कहा वल्ली सैड वॉट जस्ट अग्रींग विद वॉट यू सैड अब थिंग्स विदाउट अर नॉलेज तो वल्ली बोलती नहीं नहीं मैं तो बस उस चीजों पर अग्री कर रही थी कि हाँ कई चीजें हैं जो हमारी जानकारी से बिल्कुल परे होती है हमारे पीठ पीछे सब हो रहा होता है बट वी डोंट नो अबाउट इट सो वली वॉज टॉकिंग अबाउट मे बी द थिंग दट शी डिड राइट नाउ थोड़े टाइम पहले एंड शी जस्ट टू गेट लाइक की वो तस शक ना हो उस पे तो शी वॉज लाइक नहीं नहीं मम्मा मैं तो सिर्फ अग्री कर रही थी आपसे कि हाँ 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 ऐसा होता है क्लियर ओके Aunt said just a chit of a girl, yet look how she pokes her nose into her conversation just as though she were a grown lady. Ab jo ye auntie thi. अब वो वैसे भी वल्ली को पसंद नहीं थी राइट सो so, आंटी जो है वो बोलती कि देखो इतनी सी बच्ची है जस्ट अ अ चिट ऑफ गर्ल इतनी सी तो बच्ची है और फिर भी देखो कैसे बातें कर रही है हमारी बातों में में कैसे यू you know, नो होता है है ना उसको इंग्लिश बोलते हैं पोक हर ठीक तो कैसे ये इंटरफेयर कर रही है रही है हमारी बातों में जैसे कि ये बहुत बड़ी बुजुर्ग लड़की हो सो so, ऐसे कई बार बोलते हैं ना जैसे अगर कोई बच्चा कोई समझदारी की बात कर रहा है तो कैसे बोलते तुम छोटे हो तुम मत बोलो ऐसे बड़ों की तरह बात मत करो राइट सो सेम थिंग जो आंट है वो यही बोलती है कि वल्ली के लिए देखो कितनी सी छोटी सी बच्ची है पर बातें देखो

देर आर सो मेनी थिंग्स फॉर श्योर जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के बारे में um, क्यों दिया है ये चैप्टर पहले ही बता दिया मैंने आपको देर आर सो मैनी रीजन्स जो आपको बताना चाह रहे होंगे इस चैप्टर से एक तो बच्चे जो हैं वो अगर किसी चीज से अटैम्प्ट हो जाते हैं ना दे do डू एनी थिंग टू गेट दैट तो इसीलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि वॉट इज गोइंग ऑन सेकेंडली लाइफ और डेथ एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है जस्ट कुछ मिनट्स पहले जो गाय जिंदा थी आफ्टर फ्यू मिनट्स इट वॉज डेड

टू यू फ्रॉम दिस चैप्टर अभी हम समराइज कर लेते हैं सारे पॉइंट्स एनालजस्ट टेल यू एक्जैक्टली आपको क्या सीखने को मिलता है एंड uh, इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन होंगे जो भी होगा प्रैक्टिस दैट मिल डो इन फॉर द कमिंग विडियोज क्लियर ओके नाउ लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ द कंप्लीट चैप्टर फटाफट से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है और फिर मैं आपको जैसे ही ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेंगे ना मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ जो हमको पता चल रहे हैं अबाउट वल्ली एंड द कंडक्टर क्लियर ऑल राइट चलो सो so, वल्ली कितने साल की है आठ साल की है वेरी फर्स्ट पॉइंट वल्ली या वलिया मई जो इनका कम्प्लीट नेम है इज एन एट ईयर ओल्ड गर्ल जो कि एक गाँव में एक विलेज में रहती है

और वो बस वहीं पे रुकती वहीं स्टॉप है फिर लोग उतरते हैं नए लोग उसमें चढ़ते हैं ताकि वो अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सके ये सब देखना वल्ली का फेवरेट पार्ट है वल्ली वॉज ऑलवेज इंक्विजिटिव टू एक्सप्लोर द आउटसाइड वर्ल्ड इनक्विजिटिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्यूरियस होना क्यूरियस टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स तो शी वॉज इन डीड वेरी इंक्विजिटिव शी वॉज अ क्यूरियस गर्ल शी ऑलवेज वॉन्टेड टू नो मोर एंड मोर अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड तो वो एक्सप्लोर करना चाहती थी ये सब कुछ शी no हैस like करते थे बस वगैरह के बारे में बट समी टू प्ले विथ शी हैड नो बडी ठीक है सो so इसीलिए उसके पास कोई था नहीं जिसके साथ वो खेल सके हर फेवरेट पास टू स्टैंड ऑन द डोवे ऑफ अउस एंड वॉच ऑल दैट वॉज है स्ट्रीट आउटसाइड दिस वॉज अवर फेवरेट पास टाइम Uh, अपने डोरवे पे खड़े हो जाना और स्ट्रीट पे जो कुछ भी हो रहा है उसको देखना शी वुड वॉच पीपल गेट ऑन एंड ऑफ द बस द ट्रैवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन उसके गांव और उसके सबसे गांव के सबसे पास वाला जो टाउन है उसके बीच में जो बस ट्रेवल करती थी ना शी लव्ड वॉचिंग दैट उस बस में नए लोग चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं सो दैट वॉज समथिंग दैट शी रियली लाइक्ड शी रियली इंजॉयड दैट क्लियर ओके

एंड इसी तरीके से बीइंग अ वेरी क्लेवर गर्ल आठ साल की है बट बहुत मच्यर है तो वो इधर उधर से जब भी कोई बात कर रहा है जो बस से बहुत ट्रैवल करते थे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं या फिर कोई भी उन्होंने you know, ऐसे खड़ा होकर बात कर रहा है तो शीज टू तो लिस्ट टू तो देम केयरफुली या फिर वो ऐसे ही इधर उधर से बहुत डिटेल में बहुत यू uh, नो you know, एक तरीके से बोल सकते हैं अलर्ट रहकर क्वेश्चन करती थी वो फ्रॉम द पीपल जो कि ट्रैवल करते थे सो दैट शी कुट द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट शी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट द बस टाइमिंग बाई लिसनिंग टू द कॉन्वर्जेशन ऑफ़ द द पीपल टेकिंग बस राइट तो जो भी लोग जो हैं अक्सर बस से ट्रेवल करते थे उनकी बातें सुनकर शी कलेक्टेड सर्टेन इन्फॉर्मेशन नॉट ओनली अबाउट द बस टाइमिंग बल्कि जो डिस्टेंस था बिटवीन द विलेज एंड द टाउन ऑल्सो जो फेयर था यानी कि बोल सकते हो टिकट का प्राइस था वो भी उसने इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट की बाय लिस्निंग बाय आस्किंग क्वेश्चन क्लियर द बस जर्नी फ्रॉम हर विलेज टू द नियरेस्ट टाउन वॉज ऑफ सिक्स माइल्स छ मील की दूरी थी विलेज से लेकर टाउन के बीच में द बस फेयर कॉस्ट थर्टी पैसे फॉर अ वन वे राइड तीस पैसे था एक साइड का टिकट का प्राइस यानी कि आने जाने के लिए टोटल शी हैज टू तो सेव 60 पैसे

तो वो हमेशा यू नो छोटी मोटी ऐसे ही छोटी ट्रिप्स पे या फिर एक्सप्लोर करने के लिए अपने विलेज में ही चली जाती थी एक से चार बजे तक जिसके बारे में उनकी मॉम को पता नहीं था एंड नाउ शी हैड टू गो आउट ऑफ़ द विलेज तो अच्छे से प्लानिंग करना बनता था तो टाइम का कोई इशू नहीं था फॉर दैट शी वॉज ऑलरेडी प्रो इट उसमें हमेशा वो बहुत ज्यादा

Uh, कितने बजे निकलना है कैसे छुप के निकलना है अपने घर से हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस वो भी सारी चीजें शी ऑलरेडी न्यू हाउ टू डू इट तो ये सारी चीजें हो गई नाउ एज द डे कम्स जिस दिन वो बस जर्नी करने वाली है द बस वॉज ऑल अबाउट टू लीव ठीक है बस बस जाने ही वाली थी तो वो एकदम से यू नो एक बच्चे की आवाज़ में बोलती हूँ ऑब्वियसली बिकॉज वो एक बच्ची है शी से स्टॉप द बस और एक छोटा सा हाथ बिल्कुल कमांडिंग वे में आता है कि भाई रोको बस को सो शी स्टॉप द बस विच वॉज अबाउट टू लीव The the conductor conductor thought that she would be traveling with an elder. Now when the conductor saw थॉट -E, he was like एन जल्दी से बुलाओ जो भी आपके साथ आ रहा है, उसको बताओ कि बस जाने वाली है जल्दी जाए. -E was like, ही जो करने वाली है nobody is with me. So conductor was shocked. Obviously anybody would be shocked क्योंकि उस वक्त पे आठ साल की बच्ची अकेले ट्रेवल बहुत बड़ी बात है ठीक है देन वल्ली ने क्या किया कुछ कॉइन्स दिखाए अपने हाथ में कि भाई मेरे पास पैसे हैं टिकट के दैट्स माई ये प्रूफ हो जाता है कि नहीं नहीं शी इज द वन जो अकेले ट्रैवल करने वाली है द कंडक्टर थॉट दैट शी वुड बी ट्रैवलिंग विद एन एल्डर एंड वो स्टोरी मैंने आपको बता दी ना कंडक्टर जो है वो बहुत ही मस्त इंसान है ही इज अ जोवियल पर्सन चीयरफुल पर्सन हैप्पी गो लकी टाइप्स या फिर बहुत ज़्यादा खुश मिजाज जोक वो क्रैक करने वाली पर्सनैलिटी है कंडक्टर की तो वो वल्ली को हाथ देते हैं कि आ जाओ मतलब आप बस में चढ़ जाओ वल्ली इज लाइक like,

मस्त uh, चमकती हुई गाड़ी थी द बस सीट्स व लग्जूरियस एंड कम्फर्टेबल बस की जो सीट्स थी बहुत luxurious, comfortable, अच्छी सीट्स थी साथ साथ ही जो ऊपर बार्स लगे हुए थे सिल्वर की तरह चमक रहे विंड शील्ड के इधर एक बहुत ब्यूटीफुल सी क्लॉक लगी हुई थी ड्यूरिंग हर जर्नी वाली इंजॉयड लुकिंग एट द ग्रीनरी आउटसाइड एंड द सीनिक नेचुरल ब्यूटी फ्रॉम द बस तो वो विंडो uh, के बाहर देखने की कोशिश करती हूँ ऑब्वियसली बस में विंडो के पास बैठना बचपन में बड़ा मजा आता है हमको बस विंडो वाली सीट चाहिए राइट सो वो बैठ के सीनरी इंजॉय कर रही होती हैं बट बिकॉज देर वॉज टाइम

दूसरी बात वो अपना देख रही है यू नो व्यू वगैरह उसमें उनको डिस्टर्ब हो रहा है तो शिवाज लाइक यहाँ पे कोई बच्चा बच्चा नहीं है

Uh, जो लास्ट स्टॉप है टाउन का वहां ये पहुंच जाती है बस सब लोग उतर जाते हैं, जो है वो नहीं उतरती है वली like town, वली पैसे देती है कंडक्टर को बाकी के थर्टी पैसे टू बा टिकट रिटर्न टिकट तो कंडक्टर वॉज लाइक ये आपको नहीं उतरना है सो शी वॉज लाइक नहीं मुझे सिर्फ बस राइड इंजॉय करनी थी कंडक्टर वॉज लाइक अब यहाँ आई गए हो सो यू शुड गो एंड एक्सप्लोर दी स्टॉल्स दी शॉप्स, दी टाउन शी वॉज लाइक मैं पूरी मतलब अकेले मैं जाके आ, इतनी भीड़ में या पूरे टाउन को एक्सप्लोर करूँगी कंडक्टर वॉज लाइक अभी तक तो आप डर नहीं रही थी अकेले ट्रैवल करने में तो शी वॉज लाइक इसके बारे में क्या डरना है लाइक like, बस में अकेले बैठ के कोई डर नहीं है बट ऑबियसली बाहर इतनी भीड़ है पूरा टाउन है वो घूम सकती है इसीलिए शी वॉज लाइक मुझे नहीं जाना वन ऑल्सो टोल्ड द कंडक्टर She couldn't roam about all alone in the town. It was scary for her. while Wally stayed in the bus and took a ticket from the conductor to return to her village. Finally, she took the ticket or would return journey killier ready. Ho hai. As the bus started again, Wally had the same excitement to enjoy the view outside. Again, Jessa. एक्साइटमेंट वाली को पहली बार में था वेन शी वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम विज टू दाउन सेम एक्साइटमेंट था उसका return जर्नी में भी. वो सेम चीजेंट एकदम से थोड़ी excitement हो जाता है तो शी हेड द सेम लेवलेंट एट लाइक ड्यूरिंग रियलाइज दैट इट वॉज द सेम का टाउन लाइंगेड बिल्कुल रोड पर देर एवरीवेयर आंखों में बिल्कुल कोई भी इमोशन नहीं था it was like staring, और बहुत ऐसे पोस्चर है यानी कि हाथ पैर सब ऐसे काव की जो है आ, फैले हुए थे सो so, इस तरीके से वेन शी सॉ सीन कि थोड़ी देर पहले द का दैट वॉज ऑल हैप्पी रनिंग चीयरफुल फुल ऑफ लाइफ एकदम से ऐसी स्थिति आ गई वेयर द काओ इज डेथ एंड दिस इज हाउ उसको लाइफ और डेथ का जो अनसर्टेनिटी है ना द टेम्प्ररी जो एक थिंग है स्टेट है वो चीज़ समझ में आती है लुकिंग एट द साइट ऑफ द ब्लीडिंग काव मेड हा वेरी सैड एंड शी अंडरस्टंड मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ फ्रॉम दिस इंसिडेंट एंड फॉर वाली दिस वॉज लाइक द फर्स्ट लेसन द इंडक्शन टुवर्ड्स लाइफ एंड डेथ का कॉन्सेप्ट एंड वेन शी सॉ दिस साइट डेफिनेटली शी वॉज वेरी वेरी सैड Welly was overcome with sadness and didn't want to see uh, outside the window anymore she was like overcome yani puri बोल सकते हो कि दुखी हो गई थी दुख जो है पूरी तरीके से उनको um, बोल सकते हो ओवर पार कर चुका था एंड डेफिनेटली शी डिट वांट टू सी आउटसाइड द विंडो एनी मोर शी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि अब उसको बाहर देखना ही नहीं है पहले शी वॉज एक्साइटेड फॉर ऑल दिस थिंग बट वेन शी सॉ दिस थिंग दैट द काउ वॉज डेड एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शी वॉज काइंड ऑफ बिकमिंग अवेयर अबाउट द लाइफ एंड डेथ का सो डेफिनेटली शी वॉज वेरी वेरी सैड एंड शी डिट वट टू सी एनी थिंग आउट द विंडो ना तो बस वो बैठी हुई थी वैसे ही एक पोस्टर में शी वॉज लाइक

हर चीज नहीं पता चल सकती एंड हम हर चीज अगर पता चल भी जाए तो क्या हम उसको समझ पाएंगे एंड स्टफ लाइक दैट वली भी उसी चीज को देख रही थी कि क्योंकि मॉम को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है सो शी वॉज स्माइलिंग टू हर सेल्फ एंड शी वॉज लाइक कि मॉम को नहीं पता चला है एंड क्या पता चलेगा एंड दैट इज हाउ द स्टोरी एंड सो हम मादर डिड नो अबाउट हर बास राइट क्लियर सो इस तरीके से आपकी समरी खत्म होती है ना वट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट वल्ली एंड द कंडक्टर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेसन अभी हम ना ऐसा कोई स्लाइड देखते हैं वेर यू हैव इनफ स्पेस आई गैस ओके okay, यहां पे डिस्कस कर लेते हैं सो व्हेन यू टॉक अबाउट वल्ली आपको क्या पता चलता है इनके बारे में सबसे पहली बात तो शी वाज वेरी मच्योर है ना जिस तरीके से वो प्लानिंग कर रही हैं चीजों की उससे पता चलता है शी इज वेरी मच्योर शी इज वे एज कम्पेर टू हर एज ऑल्सो शी इज वेरी इंटेलिजेंट वेरी वाइज इन द टर्म्स हाउ शी वॉज प्लानिंग सो नाइसली विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक तो ये चीज बहुत ही ज्यादा सही है जो वल्ली के बारे में हमको पता चलती है ऑल्सो सिमिलरली आप बोल सकते हो कि वल्ली वॉज वेरी कॉन्फिडेंट शी वॉज नॉट अफ्रेड एक जिस तरीके से वो बिना डरे सारी चीजों का जवाब दे रही थी जिस तरीके से वो सबसे बात कर रही थी कंडक्टर हो या वो ओल्ड लेडी हो या वो एल्डर मैन हो शी डिट केयर लाइक शी वॉज नॉट एट ऑल अफ्रेड अबाउट एनी थिंग सो शी वॉज डेफिनेटली वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो शी वॉज वेरी इंक्विजिटिव जैसे कि वहां हम बात कर ही चुके हैं इस वर्ड की शी वॉन्टेड टू नो अ लॉट अबाउट वॉट इज हैपनिंग आउटसाइड द वर्ल्ड शी वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द बस जर्नी एंड स्टफ तो दैट इज ऑल्सो समथिंग जो हमको दिखता है ऑल्सो शी इज वेरी सेंसिटिव हाउ शी इज वेरी सेंसिटिव बिकॉज द वे जो काव को वो देखती है इस पोजिशन में शी वॉज वेरी मच बोलना चाहिए अफेक्टेड बाय इट एंड दिस प्रूव दैट शी वॉज वेरी वेरी गर्ल क्लियर सो ये कुछ चीजें हैं जो फोर्स आप बता सकते हो वल्ली के बारे में अदर देन दिस सी और कुछ है क्या हाँ शी ऑल्सो हैज अ लॉर्ड ऑफ सेल्फ कंट्रोल कैसे पता चलता है द वे शी इज रेजिस्टिंग द टेम्पटेश टू सेव मनी नंबर वन नंबर टू द वे जब कंडक्टर बोलते हैं बाहर चले जाओ या कोल्ड ड्रिंक पी लो एंड स्टफ लाइक दैट शी रेजिस्टेड शी वो सीधे सीधे मना कर देती है शी हैड अ लॉर्ड ऑफ सेल्फ कंट्रोल वो चाहती तो वो थर्टी पैसे खर्च कर देती विदाउट इवन थिंकिंग कि वापस कैसे जाना एंड स्टफ नहीं शी वॉज फर्म ऑन हर डिसीजन क्या करना है क्या नहीं सो शी हैड अ ग्रेट सेल्फ कंट्रोल ऑल्सो कह सकते हो शी वॉज वेरी गुड एट प्लानिंग थिंग्स जिस तरीके से शी प्लान द होल थिंग तो इससे प्रूव होता है शी वॉज वेरी गुड एट प्लानिंग राइट right, तो उसको प्लान करना भी बहुत अच्छे से आता था दिस इज ऑल्सो समथिंग जो प्रूफ होता है अबाउट हुम अबाउट वर्ली

कि भाई कंडक्टर के बारे में आप क्या सीखते हो सो वेन वी टॉक अबाउट सबसे पहली चीज आपको पता चलती है he's a jovial man. बहुत ही मजाक करते खुश मिजाज हैं, बिल्कुल चिल्ड टाइप के पर्सन um, you know, का नेचर होता so jovial है सेकेंडली कह सकते हो ही इज अ बोल सकते हैं ठीक है कैसे प्रूफ होता है ये द वे वल्ली उनसे बात करती है अगर कोई और करे ऐसे किसी पर्सन से जिनको बच्चे नहीं पसंद अगर उनसे कोई इस तरीके से बात करे तो गुस्से में नहीं आ जाए बट कभी भी कंडक्टर ने बहुत बुरी तरीके से बात नहीं की है वल्ली से पूरे चैप्टर में ही वॉज वेरी नाइस ही ऑलवेज ट्राइड टू टॉक टू वली इन अ वेरी नाइस वे ऑल्सो जैसे लास्ट में वो बोलते हैं वे यू फील लाइक टू हैव अ बस राइड प्लीज डू कम जॉइन इन एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग द टिकट प्राइज एंड स्टाफ तो डेफिनेटली वो बच्चों से बड़ा प्यार करता है थर्ड थिंग इज वेरी केयरिंग ठीक है वो बहुत ज्यादा केयरिंग है कैसे पता आपको द वे वो वली को बोलते हैं कि लग जाएगी सीट पे बैठ जाओ इंजरी हो सकती है ध्यान रखते हैं वो कि तुमको नहीं जाना मम्मी तो नहीं ढूंढ रही होगी तुम्हारे वाली तुम्हारे लिए एंड स्टफ लाइक दैट सो ये सारी चीजें जो है हमको कंडक्टर के बारे में भी पता चलती है वी डोंट नो वॉट एक्चुअली इज द नेम ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो येस दिस इज दीज आर द गुड थिंग्स दैट वी नो अबाउट हिम सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इनके बारे में भी सीखने को मिलती है एंड चैप्टर बता क्या रहा है आपको चैप्टर आपको तीन चार चीजें बता रहा है जैसे सबसे पहली चीज तो ये कि लाइफ और डेथ बहुत टेम्प्री चीज है नथिंग इज परमानेंट आप कभी नहीं बोल सकते कि आपकी लाइफ जो है इतने टाइम तक रहेगी या आपको डेथ जो है वो नहीं आ सकती है आपके पास ये सारी चीजें नहीं है सो यू नेवर नो वॉट हैपन्स ठीक है यू कांट बी सर्टेन अबाउट आप कितने तक जीने वाले हो सो लाइफ एंड डेथ का जो कॉन्सेप्ट है उससे अवेयर रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और वो कभी भी कुछ भी हो सकता है सो दैट इज़ समथिंग दैट वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो यू गेट टू लर्न कि बच्चे जो हैं अपने आसपास जो भी देखते हैं वो कुछ, कुछ भी यू you नो know, कदम उठा सकते हैं टू फुलफिल देयर ड्रीम्स या फिर जो उनका दिमाग में चल रहा है उसको फुलफुलफिल करने के लिए सो दैट इज़ समथिंग जो हमें ध्यान रखना चाहिए थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज जो आपसे पूछा जा सकता है कि वॉज वली राइट वेन शी डिडेंट टेल हर मॉम एंड शी वेंट फॉर अ बस राइट नो शी वॉज नॉट राइट लाइक उसकी जगह पे देखो तो बींग अ चाइल्ड शी फेल्ड दिस इज राइट बट अगर हम ग्रोन uh, की तरह सोचें तो एनी थिंग कुड है उतर जाती जाती टाउन में में हो 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 सकता था, गुम हो जाती, हो सकता था था गुम उनको बस में लग जाती या कोई ऐसा पर्सन होता जो समझता कि शी इज ऑल अलोन कुछ भी हो सकता था सो एनी थिंग कुड हैव हैपेन्ड सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट करेक्ट लाइक वल्ली ने सही नहीं किया अगर हमसे ये हमारा ओपिनियन uh, पूछा जाता है तो सो so, इस तरीके से ये आपकी सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर में बताई जाती हैं आई होप यू आर क्लियर विद द विद्प्लीट समरी एंड द

का आपका जो करिकुलम है उसमें बेस्ड जो भी टॉपिक्स हैं उस सबसे रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं टॉप नॉच क्वालिटी के फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीजों के बारे में आप बिल्कुल अवेयर हो राइट right? बट क्या आपको ये पता है कि आप और भी चीजें हैं जो पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से जैसे आपको अगर एन की प्रिपरेशन करनी है जस्ट क्लिक ऑन एन एंड गेट द वीडियोज अगर आपको ओलंपियाड के बारे में पढ़ना है आपको ओलंपियाड भी अवेलेबल है मैगनेट ब्रेन्स में आप अगर एक्स्ट्रा लर्निंग करना चाहते हो आप एग्जाम्पलर पढ़ना चाहते हो या आप यू you नो know, uh, कोई फैक्ट सीखना चाहते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में अपने आप को माहिर बनाना चाहते हैं द

सो so, आपने जैसे क्लिक किया सब्जेक्ट पे आपके पास सारे जो भी चैप्टर्स हैं क्लास टेंथ के वन शॉट के वो सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे बस उस सब्जेक्ट पे क्लिक कर दो जिसका भी वीडियो आप देखना चाहते हो सपोज आपको इंग्लिश देखना है ऑब्वियसली आप जैसे क्लिक करोगे टॉपिक्स आएंगे टॉपिक पे क्लिक करोगे यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर जैसे ग्लिम्स ऑफ इंडिया का वन शॉट मिल गया यहां से वैसे अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी वन शॉट देखना चाहते हो ना नो वरीज जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रॉस आइकॉन और जो भी टॉपिक है सब्जेक्ट है क्लिक कीजिए यू गेट द वीडियो एंड इफ यू फील आपको और भी कुछ पढ़ना है अदर देन द वन शॉर्ट रिविजन डू क्लिक ऑन द बैक Button follow the same steps and get the video in front of you. So, this is how easy it is. I hope for sure you uh, will definitely explore it. Done? Okay. So, with this, we have finally come to an end of the discussion of today's uh, chapter that is, Madam Rides the Bus. This chapter is very easy, trust me, and it's very interesting also. It's just that you should understand exactly what you have with the help of this lesson. So, if you really feel that you understood each and everything, that you know what you have to do, just give a big fat thumbs up to the video. Share the video with as many people as you can whoever wants to revise this chapter share about the channel with as many students as you can so that everyone gets free education and yes if you really don't want to miss out any update then you know what you have to do just subscribe to the channel so with this do not forget to like share and subscribe and yes we have come to an end of this particular video but in the next one we are going to meet you very soon with the next topic till then take care of yourself thank you so much for watching bye